this class I am going to discuss about some experiments. Laws of water vapor transpiration. तीन से चार घंटे बाद क्या देखा जाएगा, जब तीन से चार घंटा हो जाएगा आफ्टर 3 or 4 hours व्हाट हैपेंस, उस पॉलीथीन में वाटर ड्रॉपलेट आपको क्लियर दिखेंगे, कंटेन्स वाटर ड्रॉपलेट। इससे ये प्रूव होता है कि लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यहां तक आपको क्लियर हो गया लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आगे देखते हैं कि कैसे इंटेक होता है। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वो जो रूट्स न्यूमरस से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा, मोर वाटर विल बी अवेलेबल। क्या होगा और ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा, समझे। तो इस तरह से
मेजरमेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस हो रहा है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट उसका कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर कैसे मेजर करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में एक लेवल तक पानी भरेंगे और ऑयल उसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो ऑयल की लेयर बन जाएगी, यहाँ पे ऑयल की लेयर बन जाएगी। अब हमें क्या देखना है कि 3 से 4 घंटे के बाद या 24 आवर्स के बाद हम देखते हैं वाटर का लेवल कितना था, अभी उसी में हमने प्लांट को रखा गया, एक छोटा सा प्लांट था जिसको रखा गया और ऑयल ऊपर लगाया गया। ऑयल किसके लगाया गया, ना ऑयल वाटर के ऊपर क्यों रखा लगाया गया, वाटर के ऊपर ऑयल इसलिए रखा गया है ताकि जो वाटर इवापोरेट हो रहा है सन के द्वारा वो इवापोरेशन रुक जाए, जब ऑयल की परत ऊपर रहेगी तो वो इवापोरेशन ऑफ वाटर को रोकेगी। लेकिन तब भी 24 घंटे बाद जब हमने देखा तो वाटर का लेवल लो आ चुका था, नीचे आ चुका और ऑयल की परत वैसे के वैसे पड़ी थी, वाटर का लेवल लो आया और ऑयल की परत वैसे के वैसे पड़ी थी। अब हमने 24 घंटे पहले ऑयल के वाटर के लेवल को नापा था, 24 घंटे का नीचे लेवल को नापा, पहले के लेवल से जो बचा हुआ लेवल है उसको माइनस कर दिया तो हमें जो लॉस हुआ है वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो मिल जाएगा, कितना लॉस वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। याद रखने से हमें तो आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब सुनिए क्या होता है, हमें कॉपर क्लोराइड का फॉइल लेते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लेते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड का क्या लेते हैं, पेपर लेते हैं, इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हम अपर सरफेस पर लगाते हैं, क्योंकि अपर सरफेस में भी लगाते हैं लोअर सर्फेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा, अपर सर्फेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा कम है और लोअर सर्फेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है। तो क्या होगा, लोअर सर्फेस है जिसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है उस मॉइस्चर वाटर मास होगा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में और ज्यादा वाटर मास होगा, वाटर मास है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में और ज्यादा वाटर, तो अब हम क्या करेंगे, जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो ज्यादा पिंक दिखाई देगा नीचे वाले सरफेस में, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लोअर साइड से ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर साइड, तो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर मॉइस्चर पाएगा नीचे की लेयर में और वहां पे ज्यादा पिंक बनेगा, मोर पिंक एज कंपेयर टू अपर पार्ट में लेस पिंक होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको, अब एक बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर और मिनरल का कंटेंट कराता है, ठीक है, वाटर और मिनरल का कंटेंट तेज होता है कंटेंट की वजह से। दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या ह्यूमिडिटी का ये मतलब होता है कि जो प्लांट है उसको स्ट्रेट खड़ा होने में टर्जिडिटी हेल्प करती है। इतना ही नहीं है, जो गार्ड सेल्स हैं जो टर्जिड सेल्स कहलाते हैं, गार्ड सेल टर्जिड कैसे होते स्वेलअप करते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, तो इस तरह से टर्जिडिटी में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीज होती है, मतलब कूलिंग अफेक्ट होती है, कूलिंग होती है, पॉइंट हमें याद रखना है कूलिंग, टर्जिडिटी और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया सबको। अब डिसएडवांटेज भी, अगर इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं अब डिसएडवांटेज क्या होता है ये देखते हैं। देखिए डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या है, टिल्टिंग हो जाती है, लीव्स गिरने लगते हैं, प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, डिसएडवांटेज भी हो गए। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। पहला फैक्टर होता है टेंपरेचर, हमको अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन, टेंपरेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज कर जाता है, ठीक। दूसरा होता है जो अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज्यादा है जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, और कौन अफेक्ट करता है, लीफ एरिया, नैरो लीफ से तो कम ट्रांसपीरेशन होगा, वाइड लीफ से ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, और कौन अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को, विंड एंड एयर मूवमेंट। देखो अगर विंड और एयर ज्यादा चल रही होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन अपने आप ही बढ़ जाता है, इफ सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल,
कर जाएगा, ये बात याद रखना। और अगर कम सॉइल मॉइस्चर है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाए। प्लांट टाइप में भी रेट ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड करता है, इस तरह का प्लांट है, इस तरह से कैक्टस और ट्रांसमिशन भी क्लियर हो गया सबको। जैसे कैक्टस है उसमें कम ट्रांसमिशन और थॉर्न उसमें क्या है, स्पाइनी लीव्स हैं, वो स्पाइंस हैं लीव की जगह पर, इस वजह से ऐसा होता है। अब एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए जो प्लांट है वो एडेप्ट करते हैं अपने आप को। पहला कंडीशन क्या है, थिक कटिकल हो जाती है उनकी। दूसरा क्या है, नैरो लीव्स हो जाती है। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ लीव्स हो जाता है। तो ये सब हम कहाँ लिखेंगे, एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ लीव हो गया, ये सब एडेप्टेशन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव हो जाता है। इसके अलावा स्टोमेटा जो है उसका नंबर कम हो जाता है, तब भी लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। और लास्ट में संकेन स्टोमेटा, मतलब जो स्टोमेटा है वो संकेन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे एडेप्टेशन मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, ताकि जो ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उससे प्लांट को अफेक्ट पड़ रहा है, उससे प्लांट क्या होगा डाई कर जाएगा। तो इस तरह के प्लांट में हम केमिकल यूज करते हैं, इसको कहते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये दो तरह के केमिकल का एग्जाम्पल दिया गया, सिलिकॉन इमल्सन है और फिनाइल मर्करी एसिटेट, दो तरह के केमिकल होते हैं। क्या कहते हैं उस सरफेस को, हाइड्रेट रोड। तो वाटर का लॉस जो है उस हाइड्रेट रोड पे
लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस है थ्रू लीफ मार्जिन हैविंग स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोथ्रोट या ओपनिंग कॉल्ड हाइड्रोथ्रोट। ठीक है, अब आता है ब्लीडिंग क्या होता है। ब्लीडिंग गटेशन और ब्लीडिंग दोनों अलग अलग होते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है कि जब कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसका सेल भी डैमेज हो जाता है और सेल से बाहर निकलने लगता है। टिश्यू डैमेज हुआ तो उसका सेल में कोई डैमेज हुआ, सेल से बाहर निकलने लगा, उसको आप कहते हैं ब्लीडिंग। तो ये अंतर है तीनों में, गटेशन, ट्रांसपिरेशन और ब्लीडिंग में अंतर है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इस तरह से चैप्टर आपका पूरा हो गया है। बस इसमें मैंने अभी गोनांग स्पोटोमीटर छोड़ा हुआ है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि ये गोनांग स्पोटोमीटर क्या होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं।